किराएदार ते मकान दे मालक दा रौला हमेशा ही रहा है। किराएदार की कोशिश यह होंगी है कि उन्होंने घट तो घट रेंट वाला घर मिले। जिहड़े मकान मालक ने उन्होंने कोशिश होंगी है कि उन्होंने वध तो वध जिन्ना मार्केट के रेंट मिल सकता उन्ना रेंट मिले। सरकार बचाना चाहती है टेनेंट्स नूं, जिहड़े किराएदार ने उन्होंने बचा के रखती है कि कोई बिना जिहड़े निजम ने उन्होंने किराया ना वधा सके तिना उन्होंने कढ सके। एक जिहड़ी सरकार तय करती है कि 3.5% या 2.5% इन्ना साल दे विच किराया वधाया जा सकता, उहदे तों वध कोई भी मकान मालक कैनेडा दे विच, हालांकि वक्खरे वक्खरे स्टेटां जिहड़े प्रोविंसेस ने हुंदा, उह किराया नहीं वधा सकता ते ना ही उहनूं जबरदस्ती कढ सकता। मान लो तुसीं $1,000 दिंदे आ किसी बेसमेंट का किराया, तो जे मकान मालक नूं कोई कल नूं $2,000 देण लग जाए तो वह हज़ार वाले नूं कढ के 2,000 वाले नूं नहीं दे सकता। सरकार उहनूं प्रोटैक्ट करती है, उहदे अधिकार ने। एक जिहड़ी अमाउंट आ उन्नी ही वधाई जा सकती है। कुछ हालतों के जेकर मकान मालक नूं लोड़ पै जावे तो विला करा सकता अपना घर, हालांकि एग्रीमेंट हुंदा उहदे च सारा कुछ लिखा हुंदा। पर मान लो जे किसी घर दे ने उत्थे जा के मूव होना है, उहदा घर दा कोई मैंबर आ रहा तो उहने किराए ते नहीं देना अगे, उस केस दे विच उह कह सकदा है कि मेरे घर दे इत्थे आउणा चाहुंदे आ ते तुसीं इत्थों चले जाओ, फिर किराएदार नूं उत्थों जाणा पैंदा आ। भावें तुहाडा घर विक वी गया आ फिर भी उस किराएदार नूं उत्थों कढ्या नहीं जा सकता। वैनकूवर दे विच इक इदां दा केस सामने आया आ जिहदे विच उहनां ने जिहड़े मकान मालक नूं, जिहड़े उहनां दे पहले किराएदार सी उहनां नूं $1,600 पे करन दा हुक्म दित्ता आ कंपनसेशन, कि उहनां ने गलत तरीके नाल उहनां नूं घर चों कढ्या। बीजी सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे नूं जिहड़ी इह दित्ती आ रूलिंग, इहदे विच उहनां ने सरकमस्टांसिस जिहदे विच एविक्शन होई आ उह कहिंदे इह गलत आ। व्यक्ति जिहड़ा घर दा मालक सीगा, दस्सिया जा रहा कि 2 रेंटल यूनिट सीगे, घर दा मालक पंजाबी आ, उह उहदे वैस्ट एंड दे विच वैनकूवर दे विच, उहने रेंटरस नूं कहा कि जिहड़े कि रेंटर किराएदार उत्थे 6 साल तों रहि रहे सी वी तुसीं इत्थों चले जाओ क्योंकि उहदी बेटी ने उस थां दे विच रहिण आउणा आ। किराएदार चले गए क्योंकि उहनूं जाणा पैणा सी। 1 अप्रैल 2020 नूं उस घर दे विचों चले गए, पर बाद दे विच उहनां ने निगाह रखी, निगाह यह रखी तो उन्होंने यह देखा भी इस घर के इन्हां दी बेटी उस थां दे उत्ते रहण नहीं आई तो ना ही उन्हें आना है। तो इस गल तो बाद उन्होंने डिस्प्यूट जिहड़ा कर दिता रेजिडेंशियल टेनेंसी ब्रांच के विच भी साडी एविक्शन गलत की गई है, सानू झूठ बोलिया गया कि साडी बेटी ने इत्थे रहना जदों कि कदे भी इत्थे रहण दे नहीं आई। तो फिर अदालत ने कुदरती तौर के उत्ते मकान के मालक नूं सद के तो उहदी पुछगिछ शुरू कर दित्ती ते उहनूं गलत तरीके नाल उत्थों कढ़न दे लई जिहड़ा जुर्माना कर दिता गया। बीसी रेजिडेंशियल टेनेंसी एक्ट यह कहिंदा आ कि लैंडलॉर्ड जेकर प्लैन करे कि उहदा क्लोज फैमिली मैंबर उस यूनिट दे विच आउणा चाहुंदा आ, उह 2 मंथ दा नोटिस दे के किराएदार नूं उत्थों कढ सकदा आ। पर जे टेनेंट्स ने एविक्शन नूं चैलेंज कर देण तां लैंडलॉर्ड नूं प्रूव करना पऊगा कि उहदा फैमिली मैंबर उत्थे मूव ही नहीं कीता, सगों उत्थे रहा भी आ घट्टो घट 6 महीने। मतलब यह भी नहीं है वो महीना मूव करके तो बाद कह दें जी वो चले गया सी ते असीं मुड़ के किसी होर नूं वध किराए दे उत्ते वह थां दे दित्ती। उन्हों प्रूव करना पेगा भी वह मूव होया उहदा फैमिली मैंबर ते घट्टो घट 6 महीने उत्थे उन्हें स्टे की आ। इस केस के लैंडलॉर्ड प्रूव नहीं कर सकया कि उहदी बेटी उत्थे आई है ते 6 महीने उत्थे रह के गई आ, ते इहदे विच जिहड़ा फिर सीगा जिहड़ा रेंट दे लई उन्होंने जिहड़ा मतलब बाद दे विच हुण जिहड़ा मकान मालक सी उन्हें भी अपील की फिर डिसीजन के, पर एविडेंस उहदे हक दे विच नहीं गए। लैंडलॉर्ड ने यह कहा कि उहदी डॉटर ने वैनकूवर आना सी पर 2 महीने डिले हो गई क्योंकि उस वेले COVID-19 पेंडेमिक आ गया, तो जदों आई तो उत्थे आके उहदी नौकरी चली गई, नौकरी चली गई तो उहनूं नौकरी दे लई किसी होर शहर दे विच जाना पिया कम कार दे लई। सो यह फैक्टर सीगे जिन्हां ने उन्हां दी बेटी नूं उत्थे मूव नहीं होण दित्ता ते उत्थे होए 6 महीने नहीं रख सकी। पर यह गलबात अदालत ने उन्हां दे हक दे विच नहीं सुनी ते क्या उन्होंने यह आ कि तुसीं अपने किराएदार नूं गलत तरीके दे नाल कढ़िया आ, इस तरह नहीं कढ़ना चाहीदा सी ते तुसीं $1,600 उस किराएदार नूं हुण दिओ। यह फैसला किराएदार दे हक दे विच कीता गया। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।